स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल की तरफ से भी दीदी नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ, क्योंकि दीदी आपको स्वयं सहायता से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। जी हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएँ चलाई जाएंगी उसकी भी जानकारी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। इसके लिए दीदी आपको स्वयं सहायता समूह में जुड़ना भी होगा। अगर आप जुड़ी नहीं है तो जुड़ जाइए, क्योंकि काफ़ी फ़ायदे हैं स्वयं सहायता समूह में जुड़ने से। तो अगर अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दीदी प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो। चलिए चलते हैं दीदी आगे मेन टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने थंबनेल में दिखाया है, जौनपुर में समूह की महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए गांव में बनेगा विलेज ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दीदी, जौनपुर में समूह की महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए गांव में बनेगा विलेज ऑर्गेनाइजेशन। समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी 1740 गांव, जी हाँ 1740 ग्राम पंचायतों में विलेज ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाएगा। जौनपुर में समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी 1740 ग्राम पंचायतों में विलेज ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को समूह की महिलाओं को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 13 करोड़ रुपए, जी हाँ दीदी, इस पूरे प्रोजेक्ट पर 13 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। जौनपुर अमरदीप श्रीवास्तव समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी 1740 ग्राम पंचायतों में विलेज ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को समूह की महिलाओं को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही सभी को कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी गई है। इस प्रोजेक्ट, जी हाँ, इस पूरे प्रोजेक्ट पर 13 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रत्येक गांव में विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, प्रत्येक गांव में विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाने के साथ ही हर ब्लॉक को 4 क्लस्टर में बांटा जाएगा। जी हाँ दीदी, 4 क्लस्टर में बांटा जाएगा, जिससे समूह की महिलाओं को दिए जाने वाले कार्य में किसी प्रकार की बाधा न पहुँचे। इस नई पहल के बाद उन गांवों में भी समूह के गठन की कवायद तेज कर दी गई है, जहां अभी तक या तो समूह का गठन नहीं हुआ है अथवा संख्या कम है। मौजूदा समय में जिले में 2628 स्वयं सहायता समूह, जी हां, मौजूदा समय में जिले में 2628 स्वयं सहायता समूह है। इसमें सक्रिय महज, जी हाँ, इसमें सक्रिय महज 1527 ही हैं, जिसमें 13,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। सभी अलग अलग क्षेत्र में निपुण हैं। अब 1141 निष्क्रिय समूहों की पहचान कर इन्हें सक्रिय किया जाएगा। समूह से जुड़ी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें उनके हुनर के हिसाब से प्रशिक्षित भी किया जाएगा। 7 समूह वाले गांव में बनेगा विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, 7 समूह वाले गांव में विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य समूहों की संख्या बढ़ाए जाने के साथ ही इन्हें आपस में जोड़ना भी है। समूहों का कार्यालय होने से सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ ही कार्य करने में सहूलियत होगी। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर DMM को महिलाओं तक सरकार की योजनाएं पहुंचाना भी आसान हो जाएगी। प्रत्येक गांव में विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाने का निर्देश मिला है। समूह की महिलाओं को मजबूती देने के लिए प्रत्येक गांव में विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनने का निर्देश मिला है, जिस पर कार्य शुरू कर दिया गया है। इस पहल से समूह की महिलाओं को विकास की योजनाओं में भागीदारी बढ़ेगी।
सभी के प्रशिक्षण पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। जी हाँ दीदी, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप एक स्वयं सहायता समूह की महिला हैं तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ दीदी पंचसूत्र का पालन जरूर करें, जो इस प्रकार है: साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक उधार, समय ऋण वापसी, लेखा जोखा, इन पंचसूत्रों का आप लोग पालन करते रहिए। और दीदी, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, रजिस्टर बराबर लिखिए, क्योंकि जब तक लेखा जोखा नहीं रहेगा तो आगे चल के बहुत सी दिक्कतें आती हैं। अगर आपको रजिस्टर लिखने में हो रही है अधिकतर, तो हमारे वीडियो पाकर, जी हाँ, हमारे बर्ना टीवी चैनल पर आकर आप सारे वीडियो देख सकती हैं और रजिस्टर बनाना सीख सकती हैं। आपको एक बार फिर बता दूं कि जौनपुर में समूह की महिलाओं को, जी हाँ, जौनपुर में समूह की महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए गाँव में बनेगा विलेज ऑर्गेनाइजेशन। समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी 1740 ग्राम पंचायतों में विलेज ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाएगा। जौनपुर में समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी 1740 ग्राम पंचायतों में विलेज ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को समूह की महिलाओं को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 13 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। जौनपुर अमरदीप श्रीवास्तव समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी 1740 ग्राम पंचायतों में विलेज ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को समूह की महिलाओं को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी हाँ दीदी, आजीविका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को समूह की महिलाओं को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही सभी को कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 13 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रत्येक गांव में विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाने के साथ ही हर ब्लॉक को 4 क्लस्टर में बांटा जाएगा, जिससे समूह की महिलाओं को दिए जाने वाले कार्य में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे। तो चलिए दीदी, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दिया करें। दीदी, आप लोग शेयर किया करिए, क्योंकि आपके ग्रुप में जितनी भी महिलाएँ हैं उन लोग को भी अवगत करा दीजिए कि कौन कौन सी योजनाएँ आ रही हैं, कौन से आपके यहाँ कार्य स्टार्ट होने वाला है, उनको भी पता चलना चाहिए। आप अगर, आपके पास दीदी एंड्राइड मोबाइल है तो आपके पास जानकारी पहुँच जाती होगी, लेकिन जो हमारे गरीब समूह की महिलाएं हैं सबके पास एंड्राइड नहीं होती है दीदी। तो कोशिश किया करिए कि जब भी आप मीटिंग करें तो चर्चाएँ जरूर कर दिया करिए और मुख्य चर्चा पर लिख दिया करिए। तो चलिए दीदी, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।